नमस्कार, मैं हिमांशु रोहिला बिल्डिंग सिटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ हैं मेजर जनरल राजन कोचर सर। राजन सर इज अ डॉक्टरेट इन अ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एनएलपी कोच, एंड ही इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो सर कैसे हैं आप? सर वेलकम सर ठीक इन ठाक। बिल्डिंग सिटी न्यू। थैंक यू वेरी मच हिमांशु, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर स्टार्ट करते हैं आज। व्हाट वाज योर मोटिवेशन ड्राइव टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उस टाइम पे मैं स्कूल में था और क्लास 11 में हमारा लास्ट 1976 इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट का बैच था। और क्योंकि मेरे फादर भी फौज में थे तो जी एक मोटिवेशन, बिकॉज अपनी सारी चाइल्डहुड एक फौजी एनवायरनमेंट में गुजारी है तो जी उसका इंप्रेशन आपके माइंड पे पड़ता है। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसी एनवायरनमेंट को फिर आप अच्छी तरीके से समझने लगते हैं और पहचानने लगते हैं, और इसीलिए वो चीजें आपके माइंड में इम्प्रिंट करती हैं। और जैसे आप सोच भी आपकी उस टाइप की बन जाती है। जी तो सर जब मेरा अपना क्लास 11 का एग्जाम खत्म हुआ दिसंबर में, तो जून तक एक फ्री टाइम था, जी सर जैसे कि कॉलेजेस स्टार्ट होने थे जून में, तो उस टाइम पे जो था तो एक फ्री पीरियड था, तो फादर ने बोला कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम आप अपियर कर सकते हैं, जी आपके पास सर फ्री टाइम है, एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, बाद में आप सोच सकते हैं राइट कि आपने फौज ज्वाइन करनी है नहीं ज्वाइन करनी। तो उसी हिसाब से फिर मैंने अपनी तैयारी करी और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। रिटन एग्जाम में मैं मेरिट में आ गया और फिर इंटरव्यू के लिए जब वहां एसएसबी के लिए गया तो मैं सिलेक्ट हो गया। तो इस प्रकार का एक माइंडसेट हो गया था, और दूसरा एक माइंड में एक जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है, नेशन के लिए अपने अपनी सोच है कि फौज के ज्वाइन करने के बाद और फौज के थ्रू हम कुछ अपने देश के लिए कर सकते हैं। तो एक वो जज्बा भी था माइंड में, और तीसरा ये भी था कि एक बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है और यस एक यूनिफॉर्म का ग्लैमर भी होता है बच्चों को उस टाइम पे, आज भी बच्चों को है यस सर एक यूनिफॉर्म का ग्लैमर। तो ये सारी चीजें आपका माइंड है, आपकी जो सोच है उसको प्रभावित करती है। तो इस हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ के नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने ज्वाइन किया। तो सर व्हाट वाज द रोड मैप टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी फोर्स? रोड मैप जो अब मैं अभी बच्चों के लिए सोचता हूँ कि बच्चों को क्या रोड मैप रखना चाहिए अपना जो एक फौज को ज्वाइन करने के लिए, तो बेसिकली एक लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। अपनी लाइफ को एक इस तरीके से जिए कि जब मॉर्निंग में उठे तो टाइम पे उठे, अपनी कुछ एक्सरसाइज करें, अपना योगा करें, और ये अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें। और अगर आप ये चीज कर पाएंगे तो आपका रोड मैप शुरू हो जाता है, राइट सर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और एक चुनौती के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये चुनौती आपको और ये जो आपका जो मेहनत है आपकी, ये बहुत आपको काम लाने वाली है। और अगर आप अपनी शुरू से ही अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखेंगे तो जब आप कोई भी एसएसबी या इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अपने आप यू आपने अपने आप को उस ढांचे में
ढाल पहले से रखा डाल है। रहे। हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, आर्मी का हो या आप आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं, आईपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक क्वालिटी हर एक प्रोफेशन की एक ही होती है कि आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो सही। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तो ये मैं समझता हूँ रोड मैप बन होती। तो सर, व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, एसेंस ऑफ लाइफ? देखिए, इसको लाइफ का जो असेंस है, तीन चार चीजें मैं इसमें बताना चाहूंगा कि एक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। जी काफी नेगेटिविटी है इस दुनिया में, राइट सर, क्रिटिसाइज करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, पर प्रेज करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम है सर। तो इसीलिए लाइफ को एक पॉजिटिविटी के साथ अगर आप अपना आगे लेके जाएंगे, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से अपनी सोच को बनाएंगे, तो उसमें आपको आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। और दूसरा है कि दूसरा एसेंस है लाइफ का फुलफिलमेंट, पर्पस। आपका जो पर्पस है उसकी फुलफिलमेंट, इसका ये मतलब है, इसको सरल तरीके से अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, कि जो भी आपने अपने लाइफ का पर्पस बनाया है वो उसको फुलफिल करना आपके लाइफ का गोल होना है। और हमारी ये लाइफ में हमने ये देखा है कि बचपन में आपकी सोच कुछ अलग होती है, जैसे आप कुछ एक्सपीरियंस, आपके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं तो आपकी सोच अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी सोच को मजबूत करते रहते हैं। एक लाइफ के एक पॉइंट पे आपको एक डिसीशन लेना होता है, वो बहुत जरूरी है डिसीशन लेना। वो डिसीशन जब आपने ले लिया कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वो उस डिसीशन से आपको हटना नहीं चाहिए, उसको एक गोल समझ के कुछ भी हो सकता है वो डिसीशन आपका लाइफ में, वो गोल समझ के उसको आपको आगे लेके जाना है। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट एसेंस है लाइफ का कि ये अगर सेटबैक्स आते हैं लाइफ में, फेलियर्स, और फेलियर्स को फीडबैक मान के चलिए, बिकॉज सक्सेस और फेलियर एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पे आपको सक्सेस है तो वहां पे जैसे कि आपने एक कॉइन को टॉस किया और आपने उसको बोला कि हेड्स, और अगर वो हेड्स गिरता है तो वो सक्सेस है, और अगर वो दूसरी तरफ गिरता है, टेल गिरता है, तो वो फेलियर है आपका। ये लाइफ के दो हिस्से हैं, इनको साथ साथ अपने लाइफ में लेके चलना है। कोई भी अगर फेलियर होता है तो उसको सेटबैक मत समझिए, उसको फीडबैक समझिए। फेलियर से हम सबको सीख मिलती है। मेरे लाइफ में भी फेलियर्स हुए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं इस पोजीशन में अगर पहुंचा हूं तो सक्सेस ही मिले मुझे, फेलियर्स भी मिले लाइफ में। तो जो फेलियर्स लाइफ में होते हैं उसको एक फीडबैक मान के और फिर उसको हमको आगे लेके चलना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपका कोई भी अगर पर्पस है लाइफ में आप उसको अचीव नहीं कर पाए। सर, इट इज अटेनिंग सक्सेस इफ नॉट देन व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ?
इस सीक्रेट्स ऑफ लाइफ इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा. आज की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है और इतनी टेक्नोलॉजी है और इतनी डाइवर्जेंस है, डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. तो इस लाइफ को जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो मुद्दा है वो है कलेक्ट स्किल्स नॉट डिग्रीज. इसको पहला जो आपका सीक्रेट है सक्सेस का, हम लोग डिग्रीज के पीछे दौड़ते हैं. आज का जो दौर है वो स्किल्स का दौर है. आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी सुना हाँ होगा जी कि सर, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चल रहे हैं. तो जहां पर आप जाते हैं आपका स्किल रिकॉग्नाइज होगा, आपकी डिग्री नहीं रिकॉग्नाइज होगी. स्किल सपोजिंग आप एक कंप्यूटर में है और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं, आप अपना एप्स बना सकते हैं, तो आपकी जो पहचान जो होगी वो आपकी स्किल से होगी. लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या डिग्री हासिल की है, लोग ये देखेंगे आपके पास क्या स्किल. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जो चीज मैं मानता हूं, अब मैं अगर फौजी हूं तो मेरा स्किल क्या होना चाहिए, मेरा स्किल ये होना चाहिए कि अगर मेरे हाथ में बंदूक है तो मैं एक गोली से उस दुश्मन को खत्म करूं, दोबारा चांस उसको नहीं दू कि वो मुझे खत्म कर सके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप डॉक्टर भी जाएंगे तो डॉक्टर, अगर आप एक सर्जन बनेंगे तो सर्जन के पास भी वो स्किल होना चाहिए कि वो एक ऑपरेशन को एक बेहतर तरीके से कर पाए. तो जहां पर भी आप जाएंगे आपको मौके मिलेंगे. आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप एक कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि अपने स्किल्स को तेज करें और अपने स्किल्स को हासिल करें. दूसरा है चेंज योर चॉइस विद एक्सपीरियंस. दूसरा सीक्रेट ऑफ लाइफ है कि हर एक एक्सपीरियंस आपको जो तो मिलता है वो उससे आपकी चॉइस बदलनी चाहिए, आपकी सोच बदलनी चाहिए. और अगर आप अपनी सोच को डायनेमिक नहीं रखेंगे, अगर आप एक रिजिड, जिसको हम रिजिड बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर आप अपनी सोच को रिजिड रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ का जो जो फुलफिलमेंट है और आपकी जो सक्सेस है वो आपको हासिल नहीं. तो दूसरा ये है कि अपनी चॉइस को चेंज कीजिए एक्सपीरियंस के साथ. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्ट फ्रेंड्स नॉट फॉलोअर्स. यू सी आजकल हम लोग, इंस्टाग्राम का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ट्विटर है, इतनी सारी चीजें हैं और हमको इतनी खुशी होती है कि हमारे इतने फॉलोअर्स. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जब आपको तकलीफ होगी, जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके फॉलोअर्स आपके पास नहीं आएंगे, आपके फ्रेंड्स आपके पास. तो लाइफ में कोशिश करिए जे फॉलोअर्स की बजाय फ्रेंड्स बनाने. ये जो फ्रेंड्स जो आपके बनेंगे ये आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथी रहेंगे और जैसे जैसे आप आगे अपने लाइफ में बढ़ेंगे ये फ्रेंड्स ही आपको सपोर्ट करेंगे, ये एक आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा. कोशिश ये होनी चाहिए लाइफ में कि आप फॉलोअर्स नहीं फ्रेंड्स बनाए. दूसरा और चौथा सीक्रेट ऑफ लाइफ है कि कलेक्ट नॉलेज नॉट मार्क्स.
राइट सीक्रेट ऑफ लाइफ में हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे 98% आए हैं, पर जब हमको उस एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन के लिए अगर बोलते हैं तो हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम उस वो चीज को शब्द नहीं है। मेमोराइज राइट करके, राइट उसको सर मेमोराइज करके एग्जाम में हम देते हैं। तो जो भी चीज आप पढ़ते हैं आप उसका लॉजिक समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज क्यों हो रही है और किस राइट लिए हो रही। तो अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड आएगा, तो हर एक चीज को अगर आप उसको एनालाइज अपना करेंगे और सोचेंगे उसको, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच, जितना माइंड अपने ब्रेन सेल्स को आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, आप उतना ही अपने आप को सक्षम पाएंगे। राइट ये बहुत जरूरी है। और लास्ट ये है कि यू मस्ट हैव अ रोल मॉडल इन लाइफ। राइट रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, बिकॉज वो आपकी लाइफ को दिशा देता है। और रोल मॉडल आपको ये नहीं देखना कि फिल्म सेलिब्रिटी है या क्रिकेटर है, तेंदुलकर आपका रोल मॉडल हो गया, शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, ये रोल मॉडल नहीं हो सकते। रोल मॉडल आपको अपने आप में से चुनना है, अपने लोगों में से चुनना है, जिनसे आप रोज मिलते हैं या वो आपके सर्कल में रहते हैं, जैसे कि आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी टीचर हो सकती है, या राइट कोई आपका वर्कप्लेस में ऐसा बंदा हो सकता है जो एक आपके सामने उदाहरण बन के आता है। और मैं इसलिए ये इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि अगर आपका एक लाइफ में पर्पस है, ये आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपका रोल मॉडल आपके पर्पस को हेल्प करने के लिए होना चाहिए। वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो आपके उस पर्पस को जस्टिफाई कर आपको और सके मजबूत कर सके। सर। तो इस टाइप का अगर आप अपनी रोल मॉडलिंग अपना करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जितने भी सीक्रेट्स ऑफ लाइफ जो मैंने आपको पांच बताए हैं, ये एक्चुअली सीक्रेट नहीं रहेंगे, ये एक राइट आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, और जी फिर आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आपको डिप्रेशन कम होगा, आपको स्ट्रेस कम होगा, बिकॉज आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से सोच रहे हैं, एक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, एक राइट सर अपने फेलियर को आप अलग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की सोच अगर आप अपने माइंड में उसको लेके आएंगे, तो उससे आपकी लाइफ भी बेहतर बनेगी। राइट सर तो सर डू वी हैव द नेसेसरी स्किल्स? ये बहुत जरूरी है। आज की लीडरशिप के लिए, यू जी सी, सर आज आप देखिए किस टाइप की स्किल की जरूरत है एक अच्छे लीडर बनने। हम सब लीडर हैं। राइट सर आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी लीडर हैं, या कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लीडर है, या जनरल सैम मानेकशॉ थे, या उसको वाजपेयी थे और पंडित नेहरू थे, ये भी लीडर थे और आप भी लीडर। स्कूल में जब आप एक क्लास में होते हैं, तो आपको क्लास मॉनिटर बनाया जाए, जी वो भी एक लीडर है, आप क्लास के मॉनिटर बन गया। तो हर एक आदमी में कुछ एक ऐसी छुपी हुई चीजें हैं जो उभर के सामने नहीं आती हमेशा, और उन चीजों को आपने बाहर लेके आना, उन चीजों को आपने रिकॉग्नाइज करना है, उन चीजों को आपने आइडेंटिफाई करना है। और ये बहुत जरूरी है हमको इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आज की 21st सेंचुरी में जी लीडरशिप की क्या मांग है? आप
गूगल में अगर आप इसको निकालेंगे लीडरशिप इन 21st सेंचुरी, तो आपको 18, 20, 21, 22 क्वालिटीज आपके सामने आ जाएंगी। पर मैंने खाली 7 क्वालिटीज जो जरूरी है उसको आइडेंटिफाई किया, जी और ये मेरा लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस भी रहा, और ये मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा। जी सबसे पहली ये क्वालिटी है करेज, जो लीडर में अगर मॉरल करेज नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। तो उसमें धैर्य होना बहुत जरूरी है, उसमें करेज होना बहुत जरूरी है। वो अपने जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो लीडर में सबसे पहली क्वालिटी करेज देखते हैं, भाई हमारा लीडर बहादुर है या नहीं। बिकॉज ये चीज काफी इन्फेक्शियस होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक आपका जो कॉर्पोरेट हेड है अगर उसमें करेज होगा तो आप उसके साथ सिक्योर महसूस करेंगे अपने। तो इसीलिए ये बहुत इसको जरूरी है। दूसरा है सेल्फलेसनेस, मींस आपकी जो सोच है वो आपके लिए नहीं है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की। राइट फौज में कहावत है, एक एक सेइंग है, नाम नमक और निशान। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, ये आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई कर। पर नमक वो है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन वो जो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन देता है एक प्लेटफॉर्म, उसको वो आपका नमक है, और राइट सर, निशान उस ऑर्गेनाइजेशन का ध्वज है और उस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान है। तो अगर आप एक सेल्फलेसनेस के साथ, हम जब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो हमारा वहां पे मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। यू नो, अपने आप को आपने लास्ट रखना है। चैटवुड मोटो भी ये बोलता है, जब वहां पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप पास आउट होते हैं तो चैटवुड मोटो भी यही चीज आपको इस बोलता है कि आप अपने आप को आप अपने देश को सबसे आगे रखें, आप अपने लोगों को नेक्स्ट रखें और आप अपने आप को लास्ट में रखें। क्योंकि जब तक आप ये चीज हासिल नहीं कर पाएंगे तो आप इस लाइफ में आप देखेंगे कि आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाए। तो राइट इसको कोई भी अगर आप एग्जाम्पल ले लें लाइफ का और अपने अपनी सेल्फलेसनेस को आगे रखेंगे, अपनी कोई भी डिसीजन अगर आपको लेनी है, अच्छा, उसमें आपका अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और अगर आप ऐसी चीज को सोचेंगे तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। तीसरी है इनिशिएटिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हेड को अच्छा लगता है कि जो उसका सबॉर्डिनेट है उसके पास इनिशिएटिव हो, वो वॉलंटियर करे अपना टास्क को लेने के लिए। तो ये एक बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, तो इसको हमको अपने आगे लेके जाना है। और बाकी 4 क्वालिटीज मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, डिटर्मिनेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज और कंपैशन। और ये जो जी लास्ट जो है कंपैशन, जिसको एम्पथी हम बोलते हैं, दूसरों का दर्द समझ, जो लीडर अपना दूसरों का दर्द अगर इसको समझ पाएगा तो वो अपनी पहचान बना पाए। तो इस हिसाब से ये 7 क्वालिटीज मैं समझता हूँ एक इसको लीडर को अपने आगे लेके चलनी चाहिए। सर। सो सर, फिर इज आर द गोल और ओरिएंटेशन इज करेक्ट? देखिए गोल जो है ना लाइफ का,
एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस को, हमको पता नहीं है कि हमको अपने लाइफ का गोल को कैसे सेट करें। तो राइट सर, एक टेक्निक है, छोटा सा टेक्निक है अपने गोल को सेट करने के लिए, और ये उसका एक्रोनिम है स्मार्ट, SMART। और अगर आप इस चीज को याद रख सकते हैं, आसान है याद करना, स्मार्ट। स्मार्ट, यस, और स्मार्ट का मतलब है, सबसे पहले S से शुरू करते हैं, गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। राइट, M से शुरू करते हैं, गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको मेजर कर सकते हैं, ये उस टाइप का आपका गोल। और फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा। तीसरा है कि गोल आपका अचीवेबल होना चाहिए, हासिल कर सकने वाला गोल। ऐसे नहीं कि आप अपने लिए ऐसा गोल अपना सेट करेंगे जो आप उसको हासिल ही नहीं कर पाए, तो फिर उसको फायदा क्या गोल सेट करने। चौथा होना चाहिए राइट, आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। और हर एक गोल का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कि जो जो आप अपना उसको एक जो टाइम अपना उसको सेट कर। तो एक छोटा एग्जांपल है गोल का, और ये जो गोल है ये आपकी स्टडी टेबल के ऊपर आपने कागज में ऊपर दीवार में चिपका देना है और इसको रोज देखना। और राइट, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ये स्मार्ट टेक्निक से गोल को आप कैसे बनाते हैं। आई विल स्कोर ओवर 75 मार्क्स इन माई MBA एग्जाम बाय 31 दिसंबर 2022 और 2023। तो ये एक आपने अपना गोल बनाया कि मैंने अपने एग्जाम में 80% या 75% मार्क्स लेके आने हैं, और मैंने इस टाइम तक लेके आने। तो आपने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया कि आपने उसमें स्पेसिफिक है, उसमें मेजरेबल है, उसमें अचीवेबल है, उसमें रियलिस्टिक है, और एक आपने टाइम भी दे रखा। तो अपने गोल को सेट करने के लिए आपका कोई भी गोल हो सकता है। आप यस सर, शॉर्ट टर्म गोल्स अपने लिए बनाइए और लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है वो 1 साल का हो सकता है गोल, आपका 2 साल का, 3 साल का, और 5 साल तक आप अपना एक गोल अपना बना सकते हैं। और 5 साल के बाद एक आपकी आपकी विजन बननी चाहिए। वो जो आपका गोल है वो आपकी विजन में फाइनली ट्रांसलेट करेगा। जैसे कि आपका एक विजन है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के CEO बने, एक दिन राइट सर, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करें, वो आपका विजन है। और आपने इसको छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर देना है, और जब तक आप अपना विजन नहीं पूरा करते कि आपका पर्पस क्या है, जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया था कि पर्पस राइट सर, फुलफिलमेंट, वो आपका पर्पस फाइनली आप उसको फुलफिल कर पाए। राइट सर। हाँ सो सर, व्हाट शुड बी द जर्नी ऑफ लाइफ? जी, देखिए एक सोच अपने अपने लाइफ में अगर आप उसको बनाएंगे, योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये हासिल नहीं कर सकते, हम ये बन ही नहीं सकते, अपने माइंड में अपने आप को आपने लिमिट कर दिया। राइट सर, ये जो लिमिट है आपकी, ये खाली आपकी इमेजिनेशन है, सच्चाई नहीं है। राइट सर, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को अपने काबू में कीजिए। टेम योर मंकी माइंड बोलते हैं जिसको, आपका माइंड एक मंकी की तरह होता है, आज ये सोच रहा है, कल वो सोच रहा है, कल वो, 50 सोच एक टाइम पे आपके माइंड में आती है। तो एक जब आपके माइंड में इतनी सारी सोच आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता लाइफ में आपने क्या डिसीजन लेना।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसमें आपने अपने माइंड को टेम करना है और अपनी इमेजिनेशन को आपने ऐसा बनाना है कि उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। पर कुछ भी हासिल करने के लिए आप सोच सकते हैं और अपने आप को लिमिट मत कीजिए अपनी इमेजिनेशन। और दूसरा, अपनी लाइफ को आप इतना इसको डिसिप्लिन बनाइए और इतना इसको तरीके से अपनी लाइफ को जिए तो हर एक चीज आपको आसान लगेगी। लाइफ की जर्नी में एक सेल्फ रियलाइजेशन आनी चाहिए हर एक लड़के को, हर एक लड़की को अपने एक सेल्फ रियलाइजेशन आएगी लाइफ में। और वो अगर अपने आप को किसी से कम नहीं समझे, यो अपने आप को इंफीरियर मत समझिए। आप कई बार कंपैरिजन करते हैं, यो यो कंपटीशन करते हैं। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, आपका कंपटीशन दूसरे के साथ नहीं है। गोल्फ अगर आप खेले हुए, गोल्फ की एक ऐसी गेम है जो आप अपने आप से कॉम्पीट करते हैं, दूसरे के साथ नहीं कॉम्पीट करते। आप अपनी गेम को बेहतर बनाते हैं कि अगला शॉट जो मेरा है इससे बेहतर जाए। तो अगर अपनी लाइफ की भी अगर सोच को ऐसे बनाएंगे कि मेरा आज जो स्टेट है मैं अपनी स्टेट को इससे बेहतर करूंगा, दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, अपने आप के साथ कंपेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी सोच बना के चलेंगे लाइफ में तो मुझे लगता नहीं है कि आप कहीं पर भी पीछे रह जाए। राइट सर। तो सर कुड यू समराइज योर लाइफ लेसन्स? देखिए, लाइफ में देयर आर मेनी लेसन्स इन लाइफ विच स्टैंड आउट एवरीबडीज लाइफ। किसी की भी लाइफ ले लीजिए, उसके लाइफ में लेसन्स आपको उभर के आएंगे। सबसे पहला उसको लाइफ का लेसन है कि लाइफ को एक जर्नी की तरह समझिए और वो जर्नी में एक आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। राइट जब आप जर्नी के लिए आगे बढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं अपने हॉलिडे में, तो एक अपने माइंड में डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन लेके जाते हैं कि मुझे आज मैं यहाँ पे हूं और कल मुझे कहाँ जाना है, पहुंचना कहाँ है मुझे। तो आप बस, जो मेरी लाइफ का लेसन ये था कि जब मैं फौज में ज्वाइन किया तो मैंने अपने माइंड में अपने लेसन किया था कि मैं अपने प्रोफेशन में अच्छा करूं, अपने प्रोफेशन में मैं एक 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 रीजनेबली सीनियर मुकाम में पहुंचूंगा। तो उसके लिए मैंने अपने छोटे छोटे गोल बनाए कि आज मैं जहां पे हूं अपना काम अच्छा करूं, और अगर मैं आज अच्छे काम करूंगा तो कल मुझे इस काम की रिकॉग्निशन मिलेगी। तो आप, आपका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो बहुत दूर है, पर आपने अपनी जर्नी को स्मूथ किया। हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। और इसीलिए मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डालना चाहूंगा और वो है आपकी जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपके सोचने की शक्ति है, अपने आप को इम्प्रूव करने की शक्ति है। एक कहावत है, IQ गेट्स यू हायर्ड एंड EQ गेट्स यू फायर्ड। इसका यह मतलब है कि IQ से आपको जॉब तो मिल जाएगा, पर अगर आपके पास EQ नहीं है, इमोशनल क्वोशन्ट नहीं है, तो आप उस जॉब को सक्सेस नहीं बना पाए। तो ये जितनी भी लीडरशिप क्वालिटीज आपको मैंने बताई हैं, ये लाइफ का लेसन है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत कीजिए, एम्पैथी को उसको मजबूत कीजिए, दूसरों के बारे में सोचिए। वो प्लीज स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। और अगर ये लेसन आप लाइफ में इम्बाइब अपना कर लेंगे तो इसको बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फेलियर को एक सेटबैक मत समझिए,
लाइफ का ये लेसन है कि फेलियर एक फीडबैक है। आज साइन कर्व की तरह है, आज नीचे है तो कल आप ऊपर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके का अपने माइंड को मजबूत कीजिए। राइट तीसरा आपका इसको लाइफ का इसको लेसन है कि अपने लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन पैदा कीजिए। और अगर आपने लाइफ में अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन एक अच्छे अगर सिटीजन आप अपना बन सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट लेसन है उसको मेरी लाइफ में जो मैंने फॉलो किया है, मैंने हमेशा लोगों की मदद करी। किसी भी पोजीशन में मैं रहा हूं, मैंने अपने माइंड में उस पोजीशन को अपने सर के ऊपर नहीं बैठने दिया। तो एक एरोगेंस नहीं होनी चाहिए एक आदमी, राइट हम्बलनेस और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आपकी सोच ये है कि आज मुझे भगवान ने ये पोजीशन अगर दी है, तो मैं इस पोजीशन से कितने लोगों का भला कर सकता हूं। तो अगर ये एक लेसन अगर लेके चलेंगे अपने लाइफ में इस सोच को बना के, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। राइट तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट लेसन थे मैंने सोचा हिमांशु कि मैं आपके साथ शेयर करूं। श्योर सर. सो सर, व्हाट योर मैसेजेस फॉर द ऑडियंस? मेरा ऑडियंस के लिए जो ज्यादातर आई थिंक स्टूडेंट्स होंगे आपके श्योर या सर, जो आपके यूथ है. राइट वर्किंग यूथ है, इस यूथ के लिए इसको मैसेज है कि आप देश को मजबूत करने के लिए सोचिए। कोई भी प्रोफेशन में अगर आप हैं, यू आर अ सोल्जर, यू आर अ सोल्जर फर्स्ट। सोल्जर का ये मतलब नहीं है कि आप फौज में यूनिफॉर्म पहन के आपको सोल्जर बना सकते हैं। यू कैन बी अ साइबर वॉरियर, यू कैन बी अ इंटेलेक्चुअल वॉरियर, यू कैन बी अ मेंटोर, राइट यू कैन बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल। तो लाइफ में मेरा ये इसको मैसेज है कि लाइफ में आप अपने आप को स्किल कीजिए, अपने स्किल्स को मजबूत कीजिए। और अगर आप अपने आप के स्किल्स को मजबूत करेंगे, आप देखेंगे कि आप देश को मजबूत कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के अगर क्षेत्र में अगर आप हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, तो ये डाटा एनालिटिक्स, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसके मास्टर बन जाते हैं, तो इनडायरेक्टली आप अपने देश को भी मजबूत कर रहे हैं। तो राइट बेसिक मैसेज हमारा ये है कि आप अपने आप को बेहतर करें, हर एक क्षेत्र में अपनी एक नॉलेज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपने हार्डवर्क के साथ। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। राइट ऊपर जाने के लिए, उन सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, हर एक सीढ़ी का आपको जो एक स्टेप आपको एक टाइम पे लेना पड़ता है। What are the essential techniques to shape our lives and be happy? देखिए, एक एक इम्पोर्टेंट, अगर आपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम अगर आपने इसके बारे में सुना है, तो कुछ इसमें टेक्निक्स हैं जी सर. जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहला टेक्निक है कि जिसको हम एंकरिंग बोलते हैं, एंकर। यस सर. लाइफ में अपने एक, जैसे कि एंकर वर्ड भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लाइफ में अपने अपने आप कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा आपका जो इवेंट है, आप उसको अपना एंकर बना के चलिए। जैसे कि फौज में क्या होता है, लड़ाई जाने से पहले हम अपने हमारी पलटन की जो बैटल क्राई है, हम सारे जवान ऑफिसर मिलके भारत माता की जय, राइट एक आपको एग्जांपल देता हूं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम सब लोग आपस में एक अपना एंकर बना,
भारत माता को हमने अपना एंकर बनाया और इससे हमको मजबूती मिली लाइफ। तो कोई भी एक ऐसी एक चीज है आपकी लाइफ में जो आपको आपकी सोच को मजबूत करती है, उसको अपनी लाइफ का एंकर बनाइए। और कोई भी इम्पोर्टेंट काम अगर आपने करना है, वो काम करने से पहले उस चीज को आप याद कीजिए और अपने आ, आ, जो अपने उस चीज को अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग करिए, तो उससे राइट आपको शक्ति मिलेगी ना, आपको शक्ति मिलेगी उस चीज से। तो एंकरिंग एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, एक टेक्निक है जिसका नाम है स्विशिंग। स्विशिंग का ये मतलब है कि जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो जैसे कि किसी को पानी से डर लगता है राइट और ऊंचाई से डर लगता है, तो स्वाभाविक है कि काफी लोग हैं जिनको पानी से डर है और उनको ऊंचाई से डर। तो जब भी ये ऐसा मौका आता है कि वो पानी के पास आते हैं या कोई पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तो उनको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। तो इस फीलिंग को आपने अपने मेमोरी से निकाल के इसको रिप्लेस करना है। कोई आपकी लाइफ में कोई भी अच्छी घटना हुई हो, राइट कोई अच्छा रिजल्ट आया हो लाइफ में आपका, जिस दिन आप का सिलेक्शन हुआ था, आप ऑफिसर बने थे या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको अवार्ड मिला था, तो वो माइंड में आपने उस इवेंट के बारे में सोचना है और उस मोमेंट के बारे में सोचना है कि जिस मोमेंट में आपको वो सक्सेस मिली थी, और उस मोमेंट को इस मोमेंट से आपने रिप्लेस कर। तो ये एक टेक्निक है और ये प्रैक्टिस के साथ आता है, और इसका एक तरीका होता है कि इस सोच को कैसे बदली करना। तो ये मैं आपके अगले प्रोग्राम के लिए रखूंगा कि हम चल न्यूरो सर, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में क्या क्या अपने टेक्निक्स लेके हम अपनी सोच ही बदल सकते, राइट सर, हम अपने आप को पॉजिटिव तरीके से लेके जा सकते। चल तो सर, इस प्रकार के कई टेक्निक्स हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं, जी सर, और ये इसके ऊपर आप और जानकारी भी ले सकते हैं, और अपने आप इस स्किल्स को या टेक्निक्स को अपने आप सीख सकते हैं। और एक बार अगर आप ये ऐसा आप कर लेंगे लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। अच्छा सर। सो सर, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं आपसे, फिर थैंक अनदर यू वीडियोस हिमांशु, थैंक में। थैंक यू सो मच यू, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग यंग हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सर, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आपका, और मैं आपके इस इनिशिएटिव में आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग और अच्छा करें। थैंक यू अच्छा वेरी सर, मच। जय हाँ हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद, ओके, हैप्पी न्यू ईयर बाय। सर। ओके, थैंक यू।